ईबल और बेगम। बीरबल की तरक्की से सभी दरबारियों को जलन होने लगी थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। एक बार उन्होंने बादशाह अकबर के साले हुसैन खान की मदद से बीरबल का पत्ता साफ करने की सोची। सही कहा ना? बिल्कुल सही। इन्हें बताएं। हुसैन खान, आप एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं, लेकिन दरबार में आपको कोई भी अहम पद नहीं दिया गया है। तुमने सच कहा, बड़े खेत की बात है। आप सही कह रहे हैं, मैं खुद बड़ा पद हासिल करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही आसान काम है। बेगम साहिबा से मिलकर आप उन्हें अपनी मर्जी बताएं, वो जरूर आपकी मदद करेगी। आपने जो रास्ता बताया वो बिल्कुल सही रास्ता है। मैं अभी तुरंत जाकर अपनी बहन से मिलता हूँ। मंत्री बनने की अपनी इच्छा लेकर हुसैन खान अपनी बहन से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचा। बहना, तुम्हें मेरे लिए उनसे बात करनी होगी। भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं बादशाह सलामत से इस बारे में जरूर बात करूंगी। तुम्हारा काम हो गया समझो। हुसैन खान महल से चला गया। अगली सुबह बेगम साहिबा बेसब्री से बादशाह का इंतजार करने लगी। जब बादशाह आए तो बेगम ने बेहतरीन शरबत पेश करके उनकी खातिरदारी की। लीजिए हुजूर। कुछ मांगने के लिए मुझे खुश कर रही हैं। जरूर कुछ उल्टा सीधा मांगेंगी। आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हैं बेगम? मैं चाहती हूँ राजा बीरबल की जगह आप मेरे भाई को अपने खास मंत्री और अपने खास सलाहकार के पद पर नियुक्त करें। आप तो जानती हैं बीरबल बहुत ही कुशलता और होशियारी से मेरे प्रशासन की दिक्कतें सुलझा देते हैं, पर हुसैन खान से मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं हैं। अगर बीरबल मेरे लिए काम को पूरा नहीं कर पाया तब तो आप मेरी मुराद पूरी करेंगे ना? जरूर करेंगे। तो फिर ये तय रहा, अगर बीरबल मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाए तो फिर आप उनका सरकारी पद मेरे भाई को दे देंगे, ठीक है? तो आज शाम आप बीरबल से कहें कि आपसे मिलने वो मुझे बागीचे तक बुला कर लाएं। हर शाम की तरह अकबर और बीरबल उस शाम भी बागीचे में टहलने के लिए पहुँचे। बीरबल, बेगम के महल में जाओ और उन्हें यहाँ बुला कर लाओ। किसी वजह से वो मुझसे नाराज हैं, वो आने से मना करेंगी। तुम किसी भी तरह उन्हें यहाँ लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। बीरबल समझ गए कि बादशाह उन्हें कुछ इशारा कर रहे हैं, वो महल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र पहरेदार को कुछ समझाया, उसके बाद वो बेगम के सामने हाजिर हुए। बेगम साहिबा, बादशाह बागीचे में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे मिलना है। बेगम मुस्कुरा उठी, उन्हें तो पहले से ही ये पता था। वो ना कहती उससे पहले ही पहरेदार बीरबल के करीब आया और उनके कानों में फुसफुसाने लगा। बेगम ने उत्सुकतावश सुनने की कोशिश की, लेकिन आखिरी कुछ लफ्ज ही उन्हें सुनाई दिए। वो बहुत खूबसूरत है। ये बात ठीक है, अब तुम जाओ। बीरबल बेगम से मुखातिब हुए। बेगम साहिबा, अब चलने की जरूरत नहीं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। बेगम के दिमाग में चलन ने हलचल पैदा कर दी थी। आखिर वो कौन हो सकती है, मैं पता लगाती हूँ। बिना एक पल भी गंवाए बेगम साहिबा बागीचे की ओर दौड़ पड़ी, जहाँ बादशाह सलामत उन्हें देखकर हैरान रह गए। बेगम, आपने तो कहा था आप नहीं आएंगी, लेकिन आप तो आ गई, इसीलिए आपने मौका खो दिया। अब बीरबल अपने पद पर बने रहेंगे। मैं मान गई, वाकई बीरबल बहुत ही अकलमंद है। उसके बाद से तो बेगम भी परेशानियों में बीरबल से सलाह मशवरा लेने लगी। बादशाह, आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई खता हो गई?
आपने मुझे नाराज किया है बेगम। मेरा हुक्म है कि आप ये महल छोड़कर अपने अब्बा हुजूर के महल में चली जाएं। अपने साथ आप अपनी सभी चीजें लेती जाएं। बेगम ने कभी ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी तरह बादशाह सलामत को मनाना होगा, लेकिन कैसे? अब तो बस एक तरीका है, मुझे बीरबल की मदद लेनी होगी। बेगम ने फौरन बीरबल को अपने पास बुलवाया। बीरबल बेगम साहिबा के सामने पेश हुए। बादशाह ने मुझे यहाँ से जाने का हुक्म दिया है। बीरबल, अब तुम ही बादशाह सलामत को मनाने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बेगम साहिबा, जहाँ तक मुझे पता है, बादशाह ने आपको अपनी सारी चीजें ले जाने का हुक्म दिया है। आप किसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती हैं? अपने बादशाह सलामत को। ओह, मैं समझ गई बीरबल, तुम महान हो। बीरबल ने बेगम साहिबा को सारी योजना समझा दी और वहाँ से चले गए। बेगम ने अपने कनीजों को बुलाकर उनका सभी सामान इकट्ठा करने को कहा। उसके बाद इजाजत लेने के लिए उन्होंने बादशाह अकबर को बुलवाया। अकबर उनके कमरे में उनसे मिलने पहुंचे। तो आपने अपना सारा सामान बांध लिया? जी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार शरबत पिलाना चाहूंगी बादशाह सलामत। बादशाह ने शरबत पी लिया, लेकिन वो उसी वक्त बेहोश हो गए। बेगम ने तुरंत शाही पालकी मंगवाई और उसमें बैठकर वहां से रवाना हो गई। उनके पीछे एक और पालकी थी जिसमें बादशाह अकबर सो रहे थे। बेगम अपने अब्बा के महल में पहुंची। जागने पर जब बादशाह अकबर ने खुद को बेगम के अब्बा के महल में पाया तो वे हैरान रह गए। ये सब क्या है? आप मुझे यहाँ कैसे ले आई? बेगम जानती थी कि बादशाह ये सवाल करेंगे। लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी सभी प्यारी चीजें अपने साथ ले जाऊं, और आप मुझे सबसे प्यारे हैं। आपने मुझे खुश कर दिया बेगम, लेकिन आपको ये तरकीब बताई किसने? बीरबल ने। मैं समझ गया था। जब वे दोनों वापस अपने महल में लौट कर आए तो बीरबल को वहां बुलवाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, तुमने बादशाह का भरोसा जीतने में मेरी मदद की। मुझे तुम पर नाज़ है बीरबल।